Hey, Megan. Hey, ये कौन है? ये मेरा नया डॉगी डायमंड. प्यारा नाम है डायमंड. मैं उसे छू? क्यों नहीं, वो मुझे दो. थैंक्स. डायमंड, शेक हैंड. वाओ, ये तुमने सिखाया? नहीं, ये बहुत ही स्मार्ट है. प्यारा कॉलर है. हाँ, मुझे मिली तभी से उस पर है. मिली थी? हाँ, जंगल में खो गई थी. किसने छोड़ा होगा इसे? हीरो के चोरों ने. कौन? हीरो के चोर. आज पेपर में आया था ना, तीन लोगों ने डायमंड्स चुराए थे. उनमें से एक नन थी जो सच में नन नहीं थी. वो नन, मतलब वो आदमी, डायमंड पर डायमंड्स चढ़ाकर उसे यहाँ पर लेकर आया था. और उसी वक्त ये वहाँ से भाग गई, फिर जंगल में मुझे मिली. तो इसके कॉलर पे चढ़े डायमंड्स असली हैं? हाँ, और इनकी कीमत है 15 करोड़ रुपए. पुलिस चीफ को भी इस पर यकीन नहीं हुआ. मैं यकीन करना चाहती हूँ, पर तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो. तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी है. हाँ ओवेन, इमेजिन करो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा. हे मेगन, तुम्हें क्या चाहिए डेक्स्टर? मैंने कहा था ना मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, कहा था ना. मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ डेक्स्टर क्लॉप. तुम तो बिल्कुल बंदर हो. क्या कहा तुमने मुझे? बिल्कुल बंदर. एक लड़की पर हाथ उठाते हो डेक्स्टर. हाँ, मारो, मारो इसे, और मारो, मारो इसे, छोड़ना मत, छोड़ मुझे, मारो, कर दो इसे, और मारो, मारो डेक्स्टर. देखो ये बंदर कर रहे हो. नहीं होगी. आइंदा से दूर रहना मेरी गर्लफ्रेंड से. नहीं तो इसी ये तरह तो उठ भी नहीं पा रहा है. उठ उठ उठ. ओहो, तुम्हें तो मैं देख लूंगा उल्लू. अगली बार देख लेंगे, बहुत बार पड़ेगी. आप जानते हैं ये ब्रेकफास्ट दिन की सबसे जरूरी खुराक होती है? मैं जानता हूँ बेटा. मुझे नहीं लगता इसमें और ज्यादा बियर्स आ सकेंगे, कहीं बैग फट ना जाए. फिट हो जाएंगे. मुझे तो नहीं लगता. देखिए, ब्रेकफास्ट तभी असरदार होता है जब आप बैठकर खाते हैं. ओह, देखिए भर दिए. अच्छा है, भर दिए. गुड. बहुत अच्छे. ओवेन, उन जंगली बेरीज को मत खाओ, वो जहरीली भी हो सकती हैं। ये अच्छे है मॉम, वो महामानव भी नहीं खाता है. ये फिर से शुरू हो गया, महामानव और बिगफुट. ओवेन, चलो एक मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं, वो बड़ी पहाड़ी का महामानव असली है.
तो ये बताओ कि महामानव किसी आदि मानव की तरह है या सुपरमैन की तरह? दोनों ही नहीं, वो तो सिर्फ एक महामानव है। वैसे मुझसे पूछोगे तो बड़ी पहाड़ी का कोई महामानव है तो वो तुम हो ओवेन। तुम्हें जो भी सोचना है सोचो। अच्छा सुनो, अभी से बांधो। ओके। रिलैक्स डैड, ये तो सिर्फ एक टेडी बेयर कन्वेंशन है। जानता हूँ, पर जो तुम्हारी माँ है ना, अब मैं क्या कहूँ। वो 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 वाह, ये तो बड़े कमाल के इंजन दिखते हैं। ये सब करते क्या हैं? ये मेरा सेमी ऑटोमैटिक हाई वेलोसिटी डिलीवरी सिस्टम है। ये बहुत काम की चीज है। और ये क्या चीज है? ये मेरा सोलर पावर्ड एंटी थेफ्ट डिवाइस है। बहुत कमाल का है। काम शुरू। हाँ लाओ। ओके। कन्वेंशन के लिए ऑल द बेस्ट मॉम। थैंक यू। ओके, हम जा रहे हैं, लिली घर संभालेगी। तो अब मैं तुम्हारी बेबी सिटर हूँ। पर तुम अब भी मालिक हो। आई लव यू। ओके, फोन कर दी रहूंगी। बाय मॉम, बाय डैड। देखो दूध फ्रिज में रख देना। ऐसे तो वो वापस नहीं आ जाएगी ना? हाँ जानता हूँ, पर उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत बूढ़ी और बीमार थी। डॉगीज भी मरते हैं ओवेन, जैसे इंसान मरते हैं। अच्छा है। हाँ अच्छा है, तो खाओ। Your attention, please. कुछ बोल रहे हैं। लगता है वो आ रहा है। हाँ। चीनी से कैलिफोर्निया जाने वाले यात्री अब फ्लाइट में बोर्ड कर सकते हैं। वेट कीजिए, मुझे अनाउंसमेंट तो करने दीजिए। मैं तो प्लेन नहीं। हे सिस्टर, निकलो यहाँ से, मुझे सामने दिखाई नहीं दे रहा। Excuse me? ये मैं हूँ बेवकूफों। ब्लैकी, सच में तुम ही हो? तुम नन कब से बन गए? चुप रहो, अभी मैं छद्मवेश में हूँ। ये शहर छद्मवेश नहीं है बॉस, ये शहर है चीनी। मेरा मतलब मैंने भेस बदला है बेवकूफों। हो, बहुत खूब, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। दोस्तों, मिलियन डॉलर डॉगी से मिलो। ये चलो अब निकलो, इससे पहले कि पुलिस को शक हो जाए डॉगी को हमें। कम ऑन। हे, ये अपनी ही कार है ना? बॉस, अपनी वाली ये रही। इसे तुम एक कार कहते हो? क्या करे बॉस, यही मिले, किसी ने हमारी चुरा ली। काश वो तुम्हें भी चुरा ले जाते, उल्लू के पट्टे मिले हैं मुझे। हटो, हटो, मुझे चलाने दो। ये क्या अंदर? कोई नहीं दादी माँ, अपना पेपर वाला है।
पिक्सी। तो मैगन, मैं सोच रहा था कल तुम हमारे साथ पिकनिक पर चल रही हो। शायद चलूं। वेल, तो फिर कल वहीं मिलते हैं। शायद मिले। तो चलता हूँ। मैं ठीक हूँ। ओवेन, थैंक्स। थैंक यू। डरपोक उल्लू, क्या हाल है मिस्टर उल्लू? तुमसे लड़ सकता हूँ डेस्कटॉप पर, आज नहीं। तुमसे लड़ सकता हूँ डेस्कटॉप पर, आज नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम क्या चक्कर चला रहे हो? कौन गर्लफ्रेंड? मेगन टॉड। मैं उसके घर पे पेपर डिलीवर करता हूँ और कुछ नहीं। उससे दूर रहना, समझ गए? मैंने कहा कि तुम जाओ। क्या तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए एक आईपॉड नहीं खरीद सकते? इसे मैंने ही खरीदा है अपने कमाए पैसों से। पेपर डिलीवर करके? हाँ। इस तरह? नो, डेस्कटॉप। मुझे अभी वो डिलीवर करने हैं। देखो, साइकिल को मत छूना। क्या चीज है ये? तुम्हारी एक और बेकार सी इन्वेंशन? संभल के, बहुत खतरनाक है। करता क्या है ये? कैसे काम करता है? नहीं, डर जाओ, मेरी साइकिल छोड़ दो। नहीं। पैरिस, डर जाओ। नहीं। चलता हूँ उल्लू। प्लान क्या है बताओ बॉस? बहुत खतरनाक प्लान होगा। वेल, बताने को क्या है? मैंने तो चोरी नहीं की, मैं तो बस माल लेके जा रहा हूँ। हमें तो उसकी डिलीवरी करनी है।
डॉगी को क्यों ले आए? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर इनसाइड मुझे सिक्योरिटी से बचा के कैसे ले आया? ये डॉगी ही उसका असली माल है, समझे? तो हमारे पैसे कब मिलेंगे? जैसे ही हम इसकी डिलीवरी कर देंगे। इसे छोड़ना कहाँ है? थॉमस ट्रक स्टॉप रोड 16, यहाँ से 80 मील दूर है, आधी रात तक वापस आ जाएंगे। आधी रात को क्या होगा? तुम एक कद्दू बन जाओगे। तुम कैसी बकवास करते हो? कोई आकर पैकेज ले जाएगा? ये मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूँ। पर वो हमें पहचानेगा कैसे? क्योंकि हमारे पास ये जो डॉगी है उल्लू के, तुम इस गाड़ी को जरा एक मिनट के लिए रोको, मेरी हालत खराब हो रही है। ए, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है? ये क्या किया इसने? क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, रुको, ये बैग मुझे दो और इस डॉगी को पकड़ो, समझे? और कोई इसे छूने ना पाए, ठीक है? ठीक है। अरे चल, सुनिए बॉस, हेडलाइंस तो पढ़िए। मुझे दिखा क्या रहे हो? मैं अंधा होने का नाटक कर रहा हूं। फेंक दो इसे। रुको रुको, अरे रुको नहीं यार। सॉरी मैम, ये जेंट्स का है, लेडीज का इधर है। बहुत ही स्वीट प्यारे बच्चे हो तुम, जीते रहो। इसे ये लकड़ी पसंद है। हाँ, पसंद है। गुदगुदी करो, करो ना। रुको, क्या कर रहे हो? उसे दर्द होता है। इसे छूना मत बच्चे, ये डॉगी काटता है बुरी तरह से। इसे भूख लगी है, कम से कम इसे थोड़ा पानी तो पिलाओ। पर इसे पानी क्यों चाहिए? Come on, इसे लकड़ी चाहिए। लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए, चाहिए, लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए। हट जाओ, हट जाओ। इसे पानी चाहिए। क्यों देखा तुमने? प्यारे डॉगी, प्यारे डॉगी। हे, क्या कर रहे हो? गुस्सा भी आता है। इसकी बेल्ट बहुत ज्यादा टाइट है। इतना पानी मत पिलाओ इसे। तुम्हारी बत्ती क्यों गुल हो गई दादी माँ? क्या कभी किसी एक नन को नहीं देखा? लो टॉस करो। बताओ तुम में से कौन उस पागल के साथ है? हे बच्चे, इस डॉगी से दूर रहो। कोई बात नहीं बॉस, बच्चा तो उसे बस पानी पिला रहा था।
अच्छा बहुत खूब बच्चे, इसे गाड़ी में डालो। क्या? नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बच्चे को नहीं, डॉगी को। ओ, ठीक है, डॉगी को। चलो, जा, जा, जा। ओए, जाकर पकड़ो उसे। वो भागने ना पाए। रुको। वो डॉगी मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सुनो बच्चे, यही एक मौका है, यहाँ से भागना होगा। जाओ भागो। वो डॉगी कहाँ है? उस तरफ। कम ऑन, चलो मेरे साथ। रुक जाओ। जंगल में नहीं जाएंगे बॉस, वहाँ कीड़े होते हैं, वो काटते हैं। कम ऑन, चलो। घबराइए मत, मैं उसे ढूंढ लूंगा। जंगल में चीजें ढूंढना मेरे बाएं हाथ का खेल है। दाहिने हाथ से मारूंगा अगर उसे ढूंढ नहीं पाए। आओ मैं दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? ए बच्चे, आराम से चलो। तुम्हें छुपना होगा, जल्दी। वो जा रही है उस तरफ। वो ओके, भागो बच्चे, भागो। मेरे पीछे आओ। आओ। मेरा दम निकल जाएगा यार। मेरा भी। चलो वापस चलें। मैंने ये लाइन पार कर ली। सामने आओ, सामने आओ। कहाँ हो तुम? कुछ है मामानो, क्या कर लोगे तुम? सामने आओ। क्या कर लोगे तुम? ये तो नन्ही गिलहरिया है। प्यारी गिलहरियों, तुम बुद्धू हो। वैसे प्यारी गिलहरी, पास आओ, पास आओ। इन जानवरों के लिए वक्त नहीं है। आओ। हमारा यहाँ रहना उन्हें पसंद नहीं।
ये कौन सी जगह है और वो क्या चीज है? वो स्केयरक्रो है, मैंने बनाया ताकि महामानव के गार्डन में कोई चिड़िया ना घुस पाए। तुम एक होशियार बच्चे हो, पर मुझे उस महामानव का नाम लेकर नहीं डरा सकते। ये जानबूझकर हमें कहीं और ले आया है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा बच्चे, डॉगी को भी, और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। बस छोड़ो मुझे। बच्चे, हे बच्चे, मैं मदद करूंगा, फिर अपने घर चलेंगे। पहले यहां से निकलते हैं। घबराओ मत, महामानव को डॉगीज पसंद है शायद। एक मिनट रुको, कम ऑन, चलो। वो है चैटरबॉक्स और वो है प्लाईमाउथ, ये उनका पेड़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पीली लाइंस बनाई हैं, ताकि कभी मैं भूल ना पाऊँ। उनसे दूर ही रहना और कोई चीज मत छूना। अजीब है ना, दरअसल ये महामानव का है। कम ऑन। मेरे किले में स्वागत है। यहाँ से सारा जंगल दिखता है, जरा वो देखो, वहाँ ठीक नीचे मेरा प्यारा घर है। कम ऑन, तुम्हें थोड़ी सैर करा दूँ। पर हुआ क्या बॉस? पानी की आवाज आ रही है। हा? एक नाला, यानी जंगल से निकलने का रास्ता। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं कभी फौज में था और वहां से निकाले जाने से पहले मैंने सीखा था पानी के इर्द गिर्द इंसान बसा करते हैं। ये क्या बात हुई? पानी को क्या पता लोग कहां होते हैं। अब पीछे मुड़ो। ओ, अब नहीं बॉस, अब रहने दो। नहीं, मैंने कहा पीछे मुड़ो। आ, 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 आ,
देखो, मेरे पास जरूरत की हर चीज है। अब एक दोस्त भी है। मेरी दोस्त थी शैडो, तुम दोनों में खूब जमती। अब तो वो नहीं रही। मॉम दूसरा कुत्ता नहीं लाना चाहती क्योंकि मेरी बहन को परेशानी होती है। कोई बात नहीं, तुम यहां रह सकती हो। ये दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेंटर थे, लियोनार्डो दा विंची, और उनके कुछ कमाल के इन्वेंशंस की तस्वीरें मैंने बनाई हैं। और ये मेरा टेनिस बॉल कैनन है। मेरे यहां लोग नहीं आते, कोई आता है तो वो है डेक्स्टर और उसके वो बदमाश चमचे। इसीलिए तो इसे बनाया है ताकि डेक्स्टर दूर रहे। नहीं बच्चे, यहाँ वो है जिसे तुम मिलना नहीं चाहोगे। इस बॉक्स से तुम दूर रहो, समझे? तुम्हारा रंग भी सुंदर है, ये असली तो नहीं होगा। ना कोई टैग, ना मालिक, ना नाम। आज से तुम हो डायमंड। क्या बात है बच्चे, घबराओ नहीं डायमंड, यहां महफूज हो। वो लोग हमें ढूंढ नहीं सकते, उन्हें तो ये जगह मिलेगी भी नहीं। पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी, आइए। वेल वेल वेल, बच्चे की साइकिल O1P है? नन्हे शैतान का नाम तो पता चल गया। ओ बॉस, एड्रेस तो मिट चुका है। हाँ, छोटा सा तो गांव है। ओवन नाम के आखिर कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? बच्चों और डॉगी का रिश्ता मछली और पानी की तरह होता है। बच्चे को ढूंढो, डॉगी भी मिल जाएगा। चलो ढूंढते। मुझे तो ये बैल चाहिए। वो तो बड़ा शैतान है।
मानव ने बनाया उसे, वो उसके मेल बॉक्स की तरह है। मैं उसे अखबार देता हूं ताकि उसे पता चले क्या हो रहा है। वो एक राक्षस की तरह था, एक सर्कस में काम करता था। लोग पैसे देकर उसे देखने जाते थे और एक दिन वो भागकर इस जंगल में आ गया। अब आजाद है। चलो बच्चे, अब किले में लौटना है। ओके, अगर कोई आए तो जंगल की तरफ भागना। तुम्हें यहीं पर रहना होगा, ओके? नहीं, अगर लंच करने घर नहीं गया तो मेरी बहन मेरे पेरेंट्स को फोन कर देगी। मुझे जाना होगा, यहीं रुकना, ओके? जल्दी आऊंगा, आई प्रॉमिस। उधर देखो, उधर देखो। नहीं। देखो वहां पर है। हे बच्चों, इधर आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लगभग इतना लंबा है? मैं नहीं जानता। तुम डाइटिंग कर रहे थे ना? ये सैंडविच बहुत अच्छा है ना? नहीं, आखिर कौन है ये बच्चा? उसका यहाँ एक भी दोस्त नहीं। पहले बैठ चुके हो ना? बैठो गाड़ी में। चलो बच्चे। वो तो सुबह ही चले गए। हाँ, सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई, जो कि फिलहाल किसी सोच में डूबा हुआ है। Hold on. बाहर कोई डॉगी है क्या? नहीं। ओ, कुछ नहीं, मुझे लगा बाहर कोई डॉगी है। पता है ना, डॉगी मुझे पसंद नहीं, घटिया होते हैं। हाँ। 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 नहीं। हाँ। नहीं। हाँ, पता है। ओके, बाय। वाओ, तुम बहुत अच्छी कुक हो। वाकई? पहले तो तुम्हें पसंद नहीं आता था। वेल, पसंद नहीं आता था, पर इस बार खाना बहुत अच्छा था। वेल, तो फिर थोड़ा और खाओ छोटे। ओह, शो शुरू हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। ओह, मम्मी ने हमारे लिए कबर्ड में एप्पल्स रखे हैं। जरा ठहरो, पेट भरने के बाद खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, अब मुझे साफ साफ बताओ, तुमने खाना खाया और अब तुम एप्पल नहीं खाना चाहते क्योंकि तुम्हें अचानक सेहत का ख्याल आ गया है ना? तुम वाकई मेरे भाई हो या कोई एलियन जो इस बॉडी में घुस गया है? मैं हूँ एलियन, अब यहाँ से दफा हो जाओ।
इतनी बदबू कैसे आ रही है? ये बदबू हो सकती है एक डॉगी की। थैंक्स अ लॉट। जंगल में गए थे ना, अब जाकर नहा लो। मैं नहा चुका हूँ। वेल, मैं इंचार्ज हूँ और मैंने कहा जाकर नहा लो और कपड़े बदल लो, वरना सारा घर गंदा कर दोगे और डांट मुझे पड़ेगी। ओह ओह ओह, साबुन लगा कर नहाना। ठीक है मालकिन, कम ऑन, इस तरफ चलो, चलो ऊपर चलते हैं, हिलना मत। हे, कितने सारे जुए हैं देखो, कहा ना हिलो मत। तुम किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं, मैं तो गा रहा हूँ ला 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 ला। हे, खोलना मत, मेरा शैम्पू मत यूज करना। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, लगता है मुझे तुम से एलर्जी हो गई है ओविन। ए, ए, पूछे तो हम ये ले ले। नहीं, चुपचाप चल के गाड़ी में बैठो, बैठो कार में। हे बच्चे, क्या तुम किसी ओवेन को जानते हो? ओके, अब चलो चलो, तुम्हें कहीं छुपा दूं। कम ऑन। हीरो की चोरी? चुप रहो, चुप रहो। 15 करोड़ के हीरो की चोरी हो गई। पुलिस का ऐसा मानना है कि ये काम किसी इंसाइडर का ही है और लॉस एंजलिस से वो चोर निकल चुका है। बहुत ही नायाब हीरे जिनका वजन महज कुछ ग्राम्स है, जिन्हें मुट्ठी में छुपाकर ले जाया जा सकता है। वाओ, डिटेक्टिव्स को सुरागों की तलाश है। उनकी नजर में कुछ सस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से एक है नन। उसकी तस्वीर को खुफिया कैमरे ने कैद किया है। ये उसी की तस्वीर है। हाँ, 7 मिनट के बाद वो वहां से बाहर निकली और उसके साथ साथ में डॉगी भी था। तुम? ओह माय गॉड, 15 करोड़ के हीरे। अब पता चला उन लोगों को अखबार में दिलचस्पी क्यों थी। उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, वो तो इन हीरो के पीछे पड़े हैं। हमें पुलिस के पास चलना है, चलो। घड़ी को थोड़ा पीछे कर दो, उन्हें लगेगा तुम वक्त पे पहुंचे हो। हाँ पता है मुझे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं हाँ यही तो है 406। <laughs>
तुम दोनों घर के पीछे की तरफ देखो। ओके हाँ हाँ। नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, इस समय मैं बेबी सिटिंग कर रही हूँ अपने छोटे भाई की। वाकई? और 50 रुपए देने पर तुम्हारा भाई मुंह बंद रखता है? यहाँ तो कीचड़ है। तो तुम कीचड़ में गिर गए। तुम भी आ जाओ, ब्लैकी को पता नहीं चलेगा। नीचे आ जाओ, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। तुमने उसका बॉक्स देखा क्या? वो बहुत पतला है। होल्ड करो, बाहर कोई है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अरे रुको ना, रुको ना, चल आ रहा। बच्चों की तरह क्या खेल रहे हो? कॉल यू बैक। हाँ जी। हाय, माफ कीजिएगा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं अपना डॉगी ढूंढ रहा हूँ जिसका रंग सुनहरा और बाल लंबे हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा, उन्होंने उसे देखा है किसी ओवेन नाम के बच्चे के पास जो यहाँ रहता है। हाँ, वो मेरा छोटा भाई है और इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि उसे डॉगीज पसंद है। खैर बिल्कुल, वो डॉगी मेरा है और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा डॉगी मिल जाए। डोंट वरी, ये दोनों हैं मेरे एसोसिएट्स और ये मेरी मदद कर रहे हैं ताकि मेरा डॉगी मिल जाए। वो मिल जाएगा तो हम उसे बड़ी रकम इनाम में देंगे। मैंने सच कहा ना गाइस? सच कहा, बिल्कुल। मैंने डॉगी को नहीं देखा, पर आप रुकिए, मैं ओविन को बुलाती हूँ। ओके। ओविन, कुछ लोग तुमसे मिलने आए हैं। ओविन, वो यहाँ नहीं है। ओह, लगता है शायद वो अभी अपने किले में होगा, डिनर पे आ जाएगा। किले में? ठीक है, थैंक यू। और उसका ये किला वैसे है कहाँ पर? बस उस पहाड़ी के ऊपर। वो जहाँ पर पहाड़ी का महामानव रहता है वहाँ पर? नहीं, ये तो ओविन की झूठी कहानी है ताकि वो उस इलाके में घुसने वालों को दूर रख सके। और वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ कुछ कीड़े हैं, मक्खियाँ और सांप। जहरीले सांप। हेलो। ओके, चैड ऑस्टिन भी वहाँ आने वाला है। चैड ऑस्टिन वहाँ पर? आप फिक्र मत कीजिए, आपका डॉगी मेरे भाई के पास है तो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। अच्छी बात है। नहीं, ओविन के लिए कोई आया है। देखो बॉस, घबराने की जरूरत नहीं है, हीरे सुरक्षित हाथों में है। हाँ, पर वो मेरे हाथों में नहीं है। लकीली हमारे पास काफी वक्त है। एक मिनट, बच्चे खाना खाते हैं, है ना? हाँ, क्यों बॉस, उसने कहा था डिनर के टाइम तक वो वहीं रहेगा, है ना? और जब वो आ जाएगा तो उसे पकड़ लेंगे। हेलो, एंड यहाँ किस लिए आए हो तुम? इसके लिए। ये हीरो की चोरी एलो में हुई थी, तो फिर हम क्या करें? चोरों को जानता हूँ, मेरे पास सबूत है, जरा नीचे देखिए। इस डॉगी ने चोरी की? नहीं, ये चोर नहीं है, उन्हें डायमंड्स छुपाने के लिए जगह चाहिए थी और इसलिए उन्होंने उसे डायमंड को पहना दिया। क्या कहा? डायमंड्स, मेरे डायमंड पर। किस पर? डायमंड पर, मेरे डॉगी पर। मतलब उनका डॉग, मतलब
पहले ये उनका डॉगी था पर अब ये मेरा डॉगी है क्योंकि इसे ओ, मैंने... वैन, हमारे पास कहानियाँ सुनने का वक्त नहीं है। पर ये कहानी नहीं है। पर लगती तो कहानी है जैसे वो महामानव की कहानी। पर वाकई जंगल में वो महामानव है और वो सर्कस से भागा था और अब उसका बेस्ट फ्रेंड है बिगफुट, राइट? इसमें हंसने की क्या बात है, मैंने कहा ना वो चोर लोग यहीं पर है। हमने सुन लिया और हम उन पर नजर रखेंगे, है ना? पर क्या आप लोग सचमुच के डायमंड्स देखना भी नहीं चाहते हैं? ओवेन, एक एहसान करो, तुम सिर्फ पेपर बांटते रहो, उसे पढ़ा मत करो। चलो। हे मैगन। हे, ये कौन है? ये मेरा नया डॉगी डायमंड। प्यारा नाम है डायमंड, मैं उसे छू? क्यों नहीं, वो मुझे दो। थैंक्स डायमंड, शेक हैंड। वाओ, ये तुमने सिखाया? नहीं, ये बहुत ही स्मार्ट है। प्यारा कॉलर है। हाँ, मुझे मिली तभी से उस पर है। मिली थी? हाँ, जंगल में खो गई थी। किसने छोड़ा होगा इसे? हीरो के चोरों ने। कौन? हीरो के चोर। आज पेपर में आया था ना, तीन लोगों ने डायमंड्स चुराए थे, उनमें से एक नन थी जो सच में नन नहीं थी। वो नन मतलब वो आदमी डायमंड पर डायमंड्स चढ़ाकर उसे यहाँ पर लेकर आया था और उसी वक्त ये वहाँ से भाग गई, फिर जंगल में मुझे मिली। तो इसके कॉलर पे चढ़े डायमंड्स असली हैं? हाँ, और इनकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। पुलिस चीफ को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। मैं यकीन करना चाहती हूँ, पर तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो, तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी है। हाँ ओवेन, इमेजिन करो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। हे मेगन, तुम्हें क्या चाहिए डेक्स्टर? मैंने कहा था ना मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, कहा था ना। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ डेक्स्टर क्लॉप। तुम तो बिल्कुल बंदर हो। क्या कहा तुमने मुझे? बिल्कुल बंदर। एक लड़की पर हाथ उठाते हो डेक्स्टर? हाँ। मारो इसे। छोड़ना मत। छोड़ मुझे। मारो। कर दो इसे। मारो डेक्स्टर। देखो तुम कितने कर रहे हो। नहीं होगी। आइंदा से दूर रहना मेरी गर्लफ्रेंड से। नहीं तो इसी तरह पिटेंगे। ये तो उठ भी नहीं पा रहा है। उठ उठ उठ। ओहो, तुम्हें तो मैं देख लूंगा उल्लू, अगली बार देख लेंगे, बहुत मार पड़ेगी। बॉस, देखो वो बच्चा। हाँ, वहाँ गली में। जल्दी गाड़ी घुमा लो। ओएन, मेरा सामान। सॉरी, मुझे जाना है। डायमंड, चलो। आगे चलो। क्या हुआ तुम्हें? लगता है कोई हेल्प नहीं करेगा, बस तुम और मैं। सबसे पहले इन हीरो को छुपाना होगा, फिर किले को तैयार करना है, जरूरत पड़ सकती है।
नहीं, डायमंड वो मेरा दोस्त है। तुम यहाँ आओ, इधर आओ, देखने दो। चलो अब ठीक हो। ये क्या है, ये कैसे हुआ? जैसे ही वो लोग यहां से चले जाएंगे तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। आराम कर लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। मॉम का फोन आया और मैं घर पर नहीं हुआ तो वो मुझे मार डालेगी। तुम यही रुको और कोई आया तो छुप जाना, ओके? हेलो, ओह हाय मॉम। मजा आया ना? ओह हाँ मम्मी, यही है। पिछवाड़े में कुछ ढूंढ रहा है, शायद कीड़े मकोड़े। हाँ जस्ट अ सेकंड। हे टार्ज़न, मम्मी का फोन है। हाय मॉम। हे अपने हाथ हटाओ। नहीं आपको नहीं मॉम। मॉम अगर एक डॉगी, बहुत ही प्यारा डॉगी, एक सुपर कूल डॉगी, एक डॉगी जो ना भौंकता है, ना गंदा है, ना फर्नीचर खराब करता है, जो बहुत ही शांत है, अगर ऐसा ही डॉगी मुझे मिल जाए तो क्या उसे? पर मॉम उसे एलर्जी है तो मेरी क्या गलती है? उसे मैं अपने रूम में रखूंगा। ठीक है मॉम, मैं समझता हूं कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय। मैं क्या कर सकती हूँ ओविन, मुझे पहले से ही एलर्जी है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं और अब तुम उस किले में लौटना चाहते हो। So, उस डॉगी के बारे में बताओ। कौन सा डॉगी? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे पता है ओविन, सब कुछ पता है। कौन, क्या, कब? हाँ वो तीन गंदे लोग। ओविन मुझे लगता है उनमें से एक आदमी को गुस्सा आया था कि तुमने उसके डॉगी को चुराया। तो तुमने उनसे क्या कहा? यही कि तुम किले में हो। ये तो नहीं बताया किला कहां पर है? बिल्कुल नहीं। तुम किसी मुसीबत में हो? अगर ये वही तीन लोग हैं तो उनसे क्या कहूं? कह दो घर पर नहीं हूं। हाँ कहना स्कूल की तरफ गया हूं। बहुत बढ़िया झूठ, सुबह तो घर पर थे, अब स्कूल चले गए। दरवाजा मत खोलो लिली, तुम उनका डॉगी उन्हें लौटा दो। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? तुम अभी तक बेबी सिटिंग कर रही हो? ओ,
देखो तो बेबी खड़ा है। तैयार हो जाओ, बॉयज वेट कर रहे हैं। तो तुम बाहर जा रही हो? देखो, मॉम को बताने की जरूरत नहीं। इस बारे में तुम मॉम और डैड को कुछ नहीं कहोगे, और उस डॉगी के बारे में मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। ठीक है, पक्का। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है, मैंने रखा है डायमंड। प्यारा नाम है। दरवाजा बंद कर लेना। चले चलो चलो, जल्दी चलते हैं। आपने देखा बॉस, उसकी सिस्टर जा रही है। उसने हमें बेवकूफ बनाया होगा। वो घर पर ही है। ठीक है, जैसे ही लड़की चली जाए हम घर में घुसे। ओह नहीं, छी, तुम दोनों पेटुओं को दूसरा और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर खाते रहते हो। ओह बहुत हुआ, अब मैं मर जाऊंगा। खिड़की नीचे करो। मैं मर जाऊंगा। चिंता मत करो बॉस, अब बदबू नहीं आएगी। नहीं, उस माचिस को। मत जलाओ। कैसे हो बच्चे? डॉगी को संभालने का काम कैसा था? वो डॉगी तुम्हारा ही है, मैं बस उसे तुमसे बचा रहा हूँ। अच्छा, उसे छुपाने की जरूरत नहीं, उसे मैं तुम्हें ही दे दूँगा, क्योंकि मुझे तो कुछ और ही चाहिए। यानी कि वो चोरी के हीरे? मैंने पेपर्स में सब कुछ पढ़ लिया है। वेल, बच्चा पढ़ ही लेता है। देखो, जान की बाजी लगा चुका हूँ हीरों के लिए। अब या तो आसानी से बात निपटा लूं, या फिर तुम्हें तकलीफ देकर निपटा लूं। हाँ, तकलीफ देकर। देखो वो Come on, Diamond! मेरे पीछे आओ। अरे तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? आगे जाओ और जाकर उसे ढूंढो। जल्दी आओ। पानी चाहिए। अब मुझे हवा चाहिए। और मुझे वो हीरे, वरना हम सही वक्त पर कभी उस ट्रक स्टॉप तक नहीं पहुंच पाएंगे। उधर देखो। रुक जाओ। वो डिब्बे खाली हैं। वो एक बूबी ट्रैप है। जैसे ही हम उसे छुएंगे हम लुढ़कते हुए नीचे चले जाएंगे। नहीं, उस नन्हे शैतान की तो। बॉयज, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इस शैतान के तरकीबों से कैसे निपटा जाए। देखो और सीखो। मैं तुम्हें मार दूंगा। डायमंड, डायमंड, डायमंड,
हे, इधर आओ। मुझे बचा लिया तुमने। सोल्जर, अब तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। और लेकर आओ एक और। कम ऑन, जल्दी करो। ये मामूली बच्चा नहीं है। सही कह रहे हो। जल्दी करो। देख, मेरा सर फिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं। गुस्सा थूक दो बॉस। पहला हमला डायमंड। लॉक इन लोड। यहाँ से भाग जाओ वरना महामानव तुम्हें भयंकर सजा दे सकता है। महामानव जैसा कोई नहीं है। हम लोगों को तुम्हारी बहन ने ही बताया और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। वाह, तुम तो सचमुच के बुद्धू निकले। बच निकलने का तुम्हारा आखिरी मौका है। हीरो को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मत कहना तुम्हें वार्न नहीं किया। डर गए। ओह हे, देखा, वो बच्चा फौजी बन गया है। अच्छा शॉट था बॉस, चलो उसे पकड़ते हैं। जाओ चलो। अरे ये क्या। बस भी करो, ये बच्चा तो। काफी स्मार्ट प्लान बनाया है इसने। एक प्लान तो है। हाँ, वापस घर चलते हैं। सुना तुमने, वहां 15 करोड़ रुपए भौंक रहे हैं और तुम लोग घर जाना चाहते हो। आप ही बताइए क्या करें। ठीक है, हम हमला करेंगे और तीनों तरफ से करेंगे। ठीक है, बर्ड बाई तरफ से, आठी ताहिने ओर से, मैं सीधे घुसूंगा। यहां से नहीं, यहां से नहीं। अरे मोटे, तू वहां से जा और तुम यहां से नहीं उधर से जाओ। हमें आने में देर हो गई। वो भाग गया। ढूंढो उसे।
मुझे पता है तुम यही हो बच्चे, तुम और मेरा डॉगी। ढूंढो उसे। बोलो दोनों, पकड़ो पकड़ो। ये क्या है? अरे हटाओ, तुम मुझे मिल गए प्यारे से डॉगी। तुम्हें मजाक लगता है? सामने आओ बच्चे, हम सौदा करने को तैयार हैं। उस तरफ, उधर उधर। हे बाय, तुम ठीक तो? संभलो उन पिग्मीज से। कौन से पिग्मीज? ओ, ये वाले पिग्मीज। मार डालूंगा। मत कीजिए। आप ठीक है बॉस? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं बेवकूफो। जाओ जाकर कोई नरम चीज लेकर आओ जिस पर बैठ सको। आप वहां पर बैठिए, आपको वहां बहुत आराम मिलेगा बॉस। हाँ बॉस, बैठिए। हाँ यहाँ आराम से बैठिए बॉस। आराम से बॉस। आराम मिला ना बॉस, थोड़ा और आराम। ये क्या कर रहे हो? ढूंढो उस डॉगी को। आप यहीं बैठिए बॉस, ढूंढ कर लाते हैं। आओ। मुझे ढूंढ रहे हो? रुको, रुको। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? वो मिला या नहीं? तो हार मानते हो? स्माइल प्लीज। नहीं नहीं, रुको। रुको। तुम मिल ही गए नन्हे शैतान। आउच। शायद इसी रस्सी को पकड़कर वो ऊपर चढ़ता है। संभल के, खतरा भी हो सकता है। कोई खतरा नहीं, तुम इसे पकड़ो। पहाड़ गिर रहा है।
अब इस बार हम लोग समझदारी से बच गए। क्या हुआ बच्चे? भागो डायमंड, उसे कुछ हो गया है, उसे छोड़ दो तुम। वेल, वक्त आ गया मुझे मेरे यार से दोबारा मिलने का। देखो तो इसे, मुझे देखकर कितनी खुश हो। उसे तुमसे नफरत है और मुझे भी है। कोई बात नहीं, क्योंकि तुम दोनों ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। हैं? भागो डायमंड। लकड़ी फेंक दो बच्चे, लड़ाई खत्म हुई। अच्छा, तुम हार गए, अब किसी नए खेल के लिए वक्त नहीं है। आधी रात को मुझे किसी से मिलना है, मुझे वक्त पे पहुंचना है। बहुत खूब, मेरा शिकार मिल गया। डॉगी डॉगी डॉगी, मिल गया हमें डॉगी 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 डॉगी, मिल गया हमें डॉगी। अब ये डॉगी मेरे हाथ से बचकर नहीं जाए, उसे पकड़े रहना बॉयज। मुझे नाइफ दो बॉस। उसके साथ क्या करोगे? डरो मत बच्चे, उसे दर्द नहीं होगा, बचेगी ही नहीं। मेरे पैकेज के साथ क्या किया तुमने? वो घायल थी तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। उसे छोड़ दो तो मैं बताऊंगा हीरे कहाँ हैं। ठीक है, तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहां हीरे छुपाए हैं, उसके बाद तुम और डॉगी दोनों आजाद हो। चल मेरे घोड़े, चल टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, 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 टिक टिक टिक। अब ये क्या चीज है? यहाँ बाढ़ आने वाली है। जाओ और जाकर उसे बांध दो। हीरे मैंने इसी बोर्ड में छिपाए हैं। ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है? बर्ड आठी, चेक करो इसे। कम ऑन। ये क्या लगा हुआ है? देखो हीरे हैं या नहीं उसमें। हीरों का पता नहीं पर बहुत गोंद लगी हुई है बॉस। तो बच्चे, आखिरी मौका भी गया। उन हीरों के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई है, मुझे इसी वक्त वो हीरे चाहिए। ओ, मिल गया बॉस। आर यू श्योर? मेरे पास लेकर आओ। अब हम चिपक गए बॉस, पकड़िए। करना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? यही तो है वो। ये कॉलर सिर्फ कुछ नकली हीरों का बना हुआ, जिसे मैंने एयरपोर्ट पे खरीदा ताकि चोरी की खुशी मनाऊं। नकली? पर यही तो मिले थे। तो इसका मतलब वो असली हीरे? हाँ, उसके अंदर ही है। उसके अंदर का क्या मतलब? तुम्हें दिखाता हूं। Ha 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 ha
ऊट। ओह, उसे कुछ मत करना। ओह, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पकड़ लो बॉस। नहीं रुक जाओ, अब तुम्हारी बारी है। पकड़ लो बॉस। नहीं होगा डायमंड, तुम ठीक हो जाओगी। तो क्या लेना चाहेंगी? 3565 रिपोर्ट टू कमांड। तो लिखो बेब, बढ़िया सर लॉयर, और वो भी डबल। मेरा ऑर्डर भी यही होगा। और एक चिकन टंगड़ी के साथ पराठे। अब रहने दो। अपने हाथ ऊपर करो। Mm-hmm.
तुमने टाइम देखा ओवेन, तुम थे कहाँ? तुम्हारी हेल्प चाहिए। मॉम, डैड, स्वीटहार्ट, मैसेज मिलते ही हम लोग चले आए। आखिर ये सब हो क्या रहा है? बेटा, जरा मेरे साथ चलो। क्या ये भी आ सकते हैं? जरूर चल सकते हैं। मुझे तो एलर्जी है ना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारा डॉगी वहां पर है। डायमंड, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये इसका डॉगी है? तुम बहुत ही बहादुर हो ओवेन, हमें तुम पर फक्र है यंग मैन। अगर मैंने इन हीरो को इसके पेट के अंदर से नहीं निकाला होता तो अब तक ये मर चुकी होती। डॉगी के पेट के अंदर से? मैं कुछ समझा नहीं। चोरों ने इस डॉगी के पेट में हीरे रखकर स्मगल करने की कोशिश की। अब इन्हें आप संभालिए ऑफिसर, 15 करोड़ के अनमोल हीरे हैं ये। इधर आओ। आपका बेटा असली हीरो है। डायमंड असली हीरो है और साथ में वो महामानव भी। कौन? बड़ी पहाड़ी का महामानव, उसी ने मुझे बचाया। वो महामानव पागल नहीं है, ना ही वो सर्कस से भागा हुआ है। क्या ऐसा है? उसका नाम है कार्ल वाइजमास्टर और कई सालों से उस जंगल में रह रहा है। जब से उसकी बीवी एक कार क्रैश में मारी गई और उसे बचाने की कोशिश में वो भी जल गया था। हाँ, लोग उससे बहुत डरते हैं, पर यकीन करें वो बहुत नेक आदमी है। और वो मेरा दोस्त है और डायमंड का भी। जरा सोचो बच्चे, कुछ देर के लिए तुम दुनिया के सबसे रईस डॉगी थे। वो तो अब भी है बेटे, तुम इसके साथ जो हो। मतलब मैं इसे रख लूं? जानती हूँ शेरिल को मिस करते हो, मैं भी करती हूँ। काश कि हम इस खूबसूरत डॉगी को पाल सकते, पर जानता हूँ लिली की एलर्जी। मैं भी मिस करती हूँ। और अगर डायमंड के आने से सब खुश हैं तो बाहर में गई एलर्जीज। तुमने तो मुझे एक जबरदस्त आइडिया दे दिया। मुझे अब याद आया कि कोई है जिसे डायमंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये काम आसान तो नहीं था, पर सही काम था। Don't worry, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। पर ये लिली के लिए है और महामानव के लिए। तुमसे रोज मिलने आऊंगा, अब जाना होगा। I love you, Diamond. जाओ ना, अब तुम अपने घर जाओ।
देखा तुमने? तुमने देखा ना भाई, वो खूबसूरत लाही छोटे छोटे डायमंड्स चमचमाते हुए। और ये क्या कर रहे हैं?